कोरियन माल में कुछ ज्यादा ही देखने लगा हूँ, क्योंकि जब से मैंने देखा वो वेब सीरीज तब से मेरे कोरियन माल में थोड़ा और इंटरेस्ट डेवलप हो गया। सो बस, लेकिन मैंने एक मूवी देखी जो कि 26 अगस्त को आई थी, जो कि नेटफ्लिक्स पर आई थी। वैसे 26 अगस्त को इतना माल भेज दिया बैंक कि रिकॉर्ड टूट गया, बहुत ज्यादा माल आया 26 अगस्त के टाइम पे। मैंने कुछ कुछ की तो रिव्यू भी नहीं कर पाया, लेकिन हाँ सोल वाइब नाम की एक मूवी आई है। हाँ, बहुत दिनों बाद एक मूवी कोई देखी है क्योंकि कोरिया की तरफ से, क्योंकि अभी तक वेब सीरीज ही देखता आ रहा था मैं। लेकिन हाँ बोलूँगा, एक ही बात बोलूँगा, मूवी काफ़ी बढ़िया है। मैं मतलब एक अच्छा है कि शुरुआत से ही अपने आप को इंटरटेन करना चालू कर देती है। लेकिन एक्चुअली मैं ट्रेलर देख के, तुम इसे अगर एज यूजल ड्राइविंग रेस कार रेस सोच के तुम देखने जाओगे तो उस लेवल का चीज़ नहीं निकलेगा, क्योंकि है वो चीज़ें, लेकिन उसके बैकग्राउंड में एक स्टोरी भी चलता रहेगा। उसी के साथ भी एक कार की ड्राइविंग वाले सीन भी तुम्हें थोड़े थोड़े देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन इसके बैकग्राउंड में एक स्टोरी है। एक्चुअली में दो भाई रहते हैं बट कहीं काम कर रहे होते हैं यार। सो कोरिया में जब वापस वो आते हैं, सो उनका जो दोस्त लोग रहते हैं, मिला जुला के 5 लोग रहते हैं, वो सब जिन्हें यहाँ से जाना रहता है, भाई मेन बंदे को यहाँ से जा करके अमेरिका में कार ड्राइविंग में रेस लेना रहता है, रेसिंग में हिस्सा लेना रहता है, वो यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन उसके लिए वीज़ा लगना चाहिए। लेकिन ऑलरेडी उनके ऊपर केस चल रहे होते हैं तो पुलिस पकड़ती है, यानी कि डिटेक्टिव पकड़ता है उनके, वहाँ पर डिटेक्टिव बोला जाता है। सो पुलिस पकड़ती है, उसके बाद उनसे एक काम करने के लिए बोलती है, जो कि स्मगल का काम चालू था वहाँ पर, उनको पकड़वाने का वो लोग जरिया ढूंढ रहे होते हैं, जो कि इनके हेल्प से उनको पकड़वाने का मौका मिलता है, क्योंकि ड्राइविंग वाले उनको चाहिए होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए पैसे और माल को। सो बेसिकली माल वो रहता है जो कि मूर्तियाँ रहती हैं, ऐसी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं, और काफ़ी अच्छे खासे पैसे, मतलब 10 मिलियन पाउंड बेटी चुद, एक पासिंग कराने का 10 मिलियन पाउंड, मतलब बवाल चीज़ है यार। यार बैठ से 2 मिलियन पाउंड दे देगा चोरी कर देंगे कोई भी, लेकिन भाई अच्छा खासा पैसा मिल रहा था उस 100 मिलियन पाउंड। और एक फ्लैट दिखाया भाई, गुरु का फ्लैट था उस 100 मिलियन पाउंड का था, जो कि हाइड्रोजन गिफ्ट था 5 डिलीवरी करने के बाद। और भाई बैठ क्या है इतने ज़्यादा पैसे, और एक सीन ऐसा दिखाया जो कि मंदिर के बाजू में वो जो तिजोरी थी उसमें इतना ज़्यादा पैसे थे, क्योंकि इसके ऊपर पूछे इसके पीछे पूरी वर्ल्ड थी यार, मतलब इसके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन थी, अंडरवर्ल्ड था, उसके भी अंडरवर्ल्ड की भी प्रेसिडेंट थी। सो गुरु काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें देखने के लिए, और इंटरेस्ट डेवलप होगा मैं बोलता हूँ, क्योंकि मूवी काफ़ी अच्छी है। अगर तुम्हें कोरियन ड्रामा देखना पसंद है तो अपने आप को फुल इंटरटेन करेगी, और बंदे की एक्शन सीन देखने के लिए मिलेगा यार। बेसिकली वो प्लेन वाला सीन, गुरु एकदम पैसों की बारिश करा देता है लास्ट सीन में, तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया इसे देख करके। प्लस गाड़ी की रिपेयरिंग भी सीन देखने के लिए मिले, और वो कैसे एक दूसरे का साथ देते हैं सब लोग मिलके, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। इसके साथ साथ एक गाली है जो कि मार बहुत गंद थोड़ा सा वैसा लगा लिए, जो कि लास्ट में देखने के लिए अपने को मिलता है। लेकिन हाँ, ये लोग अच्छे से खेलते हैं ये चीज़ का, बेसिकली लास्ट में ही लोग जीतते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इसका पार्ट 2 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हुआ है, इनके पास अच्छे खासे पैसे हैं तो स्टोरी आगे बढ़ेगी। ये अमेरिका में जाने के बाद एक्चुअली में करेंगे क्या, कार रेस में हिस्सा लेंगे तो आगे क्या होगा, शायद हमें इसके पार्ट 2 में दिखाया जाए। लेकिन सोल वाइव एक्चुअली में काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बढ़िया पेज है, चाहो तो इन्जॉय कर सकते हो तुम, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। और अभी तक तुमने मेरी एक और कोरिया की जो कि वेब सीरीज मैंने रिव्यू किया है उसे नहीं देखा तो जरूर देखना, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। WHAT